हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ साकुरा दिखाने। साकुरा ये जो ट्रीज हैं, ये मतलब अभी जो सीज़न है सर्दियाँ थोड़ी ख़त्म होने वाली, एक वीक के लिए, सिर्फ एक वीक के लिए होता है, आते हैं फ्लावर्स, के बाद ये झड़ जाते हैं। अभी झड़ने लग पड़े हैं, आप नीचे देख रहे होंगे कि पूरा ये साकुरा फ्लावर जापान का नेशनल फ्लावर भी है। और दूसरा, मैं जहाँ पे आज आया हूँ वहाँ पे आपको 150 साल पुराना घर है वो दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरे सामने ही है बिल्कुल। ये आज से 150 साल पहले बना था, और यहाँ का जो क्या बोलते हैं, जैसे पहले ग्राम पंचायत होती थी, मतलब प्रधान टाइप का बंदा वो यहाँ पे रहता था, बट अब रीबिल्ड किया, थोड़ा दूर किया। चलो देखते हैं अंदर कैसे होते थे जापान के घर पहले। ये इसके बाद कुआं है, जो क्योंकि पहले नल तो होते थे, तो सारे कुएं से ही पानी, जैसे इंडिया में भी है, बाल्टी लगी है उसमें, बाल्टी से आगे से। लेट्स गो इनसाइड। ये मेन एंट्रेंस है घर की, अभी अंदर नहीं जा सकते हम, बट यहाँ से देख सकते हैं पहले के घर ऐसे होते थे। छत इसकी देख रहे हो, पूरा घास से बनी पड़ी है, ऐसे ही होते थे यहाँ पे पहले घर। और थोड़ा फेंस लगी हुई है बाहर सेफ्टी के लिए, और इस एरिया में हम जा सकते हैं। ये राइस, क्योंकि जापान का मेन फूड, जैसे हम रोटी खाते हैं ये लोग राइस खाते हैं, ये असली है वैसे, धान जिसे बोलते हैं। तो ऐसे पहले मतलब कैरी करते थे, घर पे ऐसे रखे होते थे। छत देख रहे हो पूरी बैम्बू और घास से बनी हुई है, और ये रूम्स है अंदर, यहाँ पे ऊपर तो नहीं जा सकते, ऐसे घर होते थे। पहले इसमें मतलब पानी होता होगा, और वॉशरूम बाथरूम है उसका, अभी तो खैर इसमें है, लेकिन पहले ऐसे होते थे घर के थोड़े से साइड में, अब तो घर के अंदर ही होते हैं वॉशरूम। तातामी बोलते हैं जो ये नीचे है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो लकड़ी तो वैसे लकड़ी में इतनी ठंड होती नहीं है, बट लकड़ी के ऊपर, लकड़ी भी खैर ठंड में ठंडी हो जाती है, लकड़ी के ऊपर ये किससे चीज़ से बना होता है, घास टाइप का ही है कुछ, वो इसे तातामी क्या बोलते हैं, तातामी। पहले यही होते थे जापान में, कोई कंक्रीट और ये